तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वन लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले यहाँ पे दोनों लैपटॉप पे वही में ओपन कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि आपको दोनों लैपटॉप को ओपन कर देना है और ओपन करके आपको उसमें सेम वाईफाई को कनेक्ट करना है। तो आपके पास जो पीसी है तो वही आपका चल जाएगा। तो आपको वन पीसी से दूसरे लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए आपको सबसे पहले दोनों में सेम वाईफाई को कनेक्ट कर देना है। तो चलिए यहाँ से मैंने कनेक्ट कर दिया है और फर्स्ट वाला जो लैपटॉप में आपको क्या सेटिंग करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस हमारा जो फर्स्ट वाला लैपटॉप है यहाँ पे मैंने ओपन कर दिया है। तो आपको सेम वाईफाई को कनेक्ट कर देना है और कनेक्ट करके आपको लैपटॉप या पीसी में कंट्रोल पैनल को ओपन कर देना है और उसमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर है तो उसमें आपको क्लिक कर देना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे चेंज एडवांस सेटिंग है उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको सभी में यहाँ पे टर्न ऑन का ऑप्शन है उसको आपको सिलेक्ट कर देना है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे प्राइवेट पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके उसमें सभी टर्न ऑन है वही आपको कर देना है। उसमें कई सारे ऑफ होता है तो यहाँ से आपको ऑन करना है। तो चलिए ऐसे मैंने फर्स्ट वाला सेटिंग को यहाँ पे कर दिया है। दूसरा वाला सेटिंग है तो उसमें आपको टर्न ऑन कर देना है। तो चलिए ऐसे मैंने ऑन करके रखा है तो आपको फिर से यहाँ पे उसमें नेटवर्क का ऑप्शन है तो उसमें आपको टर्न ऑन पे क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैंने क्लिक कर दिया है तो सभी में आपको क्लिक कर देना है और लास्ट वाला ऑप्शन है तो उसमें जो पासवर्ड का ऑप्शन होता है आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है। तो यहाँ से मैंने ऑफ रखा है क्योंकि मैं दूसरे लैपटॉप में शेयर करते हैं तो उसमें पासवर्ड आ जाता है तो यहाँ से आपको ऑफ कर सकते हो। तो चल मैं सेव चेंज पे क्लिक कर देता हूँ। तो इतना आपको सेटिंग कर देना है फर्स्ट वाला लैपटॉप में। तो यहाँ से मैंने सेटिंग कर दिया है और सेटिंग करके आपका लैपटॉप है तो उसमें आपको एक न्यू फोल्डर बनाना है। तो चलिए यहाँ से डेस्कटॉप में यहाँ से मैं राइट साइड क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके उसमें न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे मैं फोल्डर पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से हमारा एक न्यू फोल्डर बन जाएगा। तो चलिए उसका जो नाम है यहाँ पे मैं डेटा ट्रांसफ़र को यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। तो आपको किसी भी नाम का यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। तो चलिए यहाँ से मैंने फोल्डर को बना दिया है। तो इस फोल्डर में हमारा अभी कोई डेटा नहीं है तो चलिए उसको मैं ओपन करके आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इस तरह यहाँ पे लैपटॉप में किसी भी या पीसी में यहाँ से आपको एक न्यू फोल्डर बना देना है और हमारे पास जो डेस्कटॉप में कई सारे डेटा है जो फोटो वीडियो फाइल है उसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे फोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से हमने फोल्डर में डेटा को ट्रांसफ़र कर दिया है तो आपको इस तरह ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलो मैं व्यू पे क्लिक करके यहाँ पे लर्ज पे क्लिक करता हूँ। तो गाइस आप स्क्रीन पे देख लीजिए कि इस हमारा डेटा है यहाँ पे हमारा एक थंबनेल का फोटो है हमारा एक फ़ोटो है यहाँ पे MP3 सॉन्ग है दो वीडियो है और यहाँ एक फोल्डर है और हमारा एक फाइल है। तो आप डेटा देख लीजिए कि इस फोल्डर को हमें दूसरे लैपटॉप या पीसी में शेयर करना है तो इस फोल्डर पे आपको माउस से यहाँ से आपको राइट साइड क्लिक करना है। तो चलो मैं राइट साइड क्लिक करके यहाँ पे आपको गिव इट टू एक्सेस पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपको यहाँ पे साइट में कई सारे ऑप्शन है तो यहाँ से आपको उसमें लास्ट वाला ऑप्शन है जो स्पेशल पीपल है तो उसमें आपको क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके उसमें एवरीवन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके आपको यहाँ पे रेड पे क्लिक करना है। साइट में एरो का ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करके यहाँ से दूसरा वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है रेड ब्राइट है उसमें आपको सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करना है और क्लिक करके यहाँ से जो फोल्डर का URL है यहाँ पे हमारा आ जाएगा तो इसको आपको कॉपी करना है। तो यहाँ से आपको कॉपी कर सकते हो और आपको दूसरी जगह से कॉपी करना है तो यहाँ से आपको डन पे क्लिक करना है और क्लिक करके आपका जो फोल्डर है तो उसमें आपको माउस से राइट साइड क्लिक करके यहाँ से आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन है उसमें आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको शेयरिंग पे क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो URL है वही आपको दिखने को मिल जाएंगे तो इस URL आपको यहाँ पे कॉपी करना है। तो चलिए ऐसे मैं सिलेक्ट करके यहाँ से URL है वही मैं कॉपी कर देता हूँ। तो आपको इस तरह कॉपी करके यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो चलिए ऐसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी कर देता हूँ।
तो आपको इस तरह सिलेक्ट करके यहाँ से यूआरएल को कॉपी कर देना है, और कॉपी करके आपका उसमें आपको व्हाट्सएप में या जीमेल में यहाँ से आपको शेयर करना है। तो चलिए ऐसे में दूसरा लैपटॉप में या पीसी में इसी यूआरएल है उसको मैं शेयर करना है। तो यहाँ से मैं लैपटॉप में जो व्हाट्सएप को हमने कनेक्ट करके रखा है, तो चलो मैं व्हाट्सएप से यूआरएल है वही मैं शेयर कर देता हूँ। तो आपको किसी भी जगह पे यहाँ से जीमेल से भी शेयर कर सकते हो। तो चलो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके यहाँ से मैं पेस्ट पे क्लिक करता हूँ, यानी कि कंट्रोल वी से पेस्ट पे क्लिक करके यहाँ से मैं सेंड पे क्लिक करता हूँ। तो इस हमारा जो यूआरएल है वही मैंने दूसरे लैपटॉप या पीसी में शेयर कर दिया है। और शेयर करके चले इसे जो हमारा जो लैपटॉप फर्स्ट वाला लैपटॉप है उसमें हमारा सभी काम है यहाँ पर हमारा हो गया है। तो चलो मैं दूसरा लैपटॉप है वही मैं ओपन कर देता हूँ। तो गाइस मैंने दूसरा लैपटॉप की स्क्रीन ओपन कर दिया है। तो आपको दोनों में सेम वाईफाई को कनेक्ट करके रखा है, तो उसमें आपको कंट्रोल पैनल को ओपन करके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे क्लिक करके चेंज एडवांस पे क्लिक करना है। जो भी आपने फर्स्ट लैपटॉप में सेटिंग किया था वही आपको सेम यहाँ से आपको सेटिंग कर देना है, यानी कि सभी में टर्न ऑन कर देना है। तो चलिए ऐसा हमने सभी में सेटिंग करके रखा है, तो आपका दूसरा पीसी या लैपटॉप है उसमें आपको सभी सेटिंग कर देना है। और सेटिंग करके आपको यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करना है, क्योंकि जो यूआरएल था वही हमने व्हाट्सएप में शेयर किया था यहाँ पे हमारा आ गया है। तो यहाँ से आपको यूआरएल को कॉपी कर देना है। तो चलिए ऐसा मैं कॉपी पे क्लिक कर देता हूँ, और कॉपी करके आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है, और क्लिक करके आपको यहाँ से आपको रन कोड टाइप करना है। रन टाइप करके आपको यहाँ पे उसमें जो भी आपने यूआरएल को कॉपी किया है वही आपको पेस्ट कर देना है। तो चलिए ऐसे में पेस्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि ऐसे मैंने ओके पे क्लिक कर दिया है। तो जो भी हमारा फर्स्ट वाला लैपटॉप में जो डेटा था यहाँ पे हमारा दूसरा लैपटॉप में डेटा है यहाँ पे हमारा आ गया है। तो चलो मैं व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करके यहाँ से मैं लर्ज पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके स्क्रीन पे देख लीजिए कि जितना हमारा डेटा था जो फोटो दोनों वीडियो था फाइल था फोल्डर था यहाँ पे हमारा शो होने लग गया है, यानी कि पूरा जो डेटा है यहाँ पे हमारा वायरलेस की मदद से यहाँ पे आ गया है। तो आपको किसी भी फर्स्ट वाला लैपटॉप में दूसरा वाला लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ से कर सकते हो। तो चलो मैं फ़ोटो को ओपन करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ऐसे मैं फ़ोटो पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करके गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में यहाँ पे हमारा फ़ोटो आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट वाला लैपटॉप में जितना हमारा डेटा था जितना हमने शेयर किया था वही हमारा डेटा दूसरा लैपटॉप में यहाँ पे शो होने लग गया है। तो आपको किसी भी डेटा को यहाँ पे शेयर कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि जो भी हमारा फर्स्ट वाला लैपटॉप में डेटा था वही हमारा दूसरा लैपटॉप में यहाँ पे जो डेटा है वही हमारा ट्रांसफ़र हो गया है। तो आपको फर्स्ट वाला लैपटॉप से दूसरा लैपटॉप में डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो आपको आसान तरीके यहाँ पे कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।